एक कलरफुल A4 शीट चाहिए, ठीक है। आप अपने पसंद का कलर ले सकते हैं, उसे फोल्ड मारेंगे, फिर ऐसे फोल्ड मारेंगे और सीजर की मदद से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम लोग इस तरह से शेप देंगे। इस तरह की शेप देने के लिए मैंने इसे इस तरह से पैन फोल्ड करके और इस तरह से कट मार लिया है। कट मार करके जब हम इसे खोलेंगे तो ये फ्लावर के शेप में आ जाएगा इस तरह से। और इस तरह से हम लोग 2-3 कलर के फ्लावर्स काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से ग्लू बोतल की मदद लेंगे और इसके ऊपर ग्लू लगा लेंगे। दूसरा कलर इसके ऊपर हम लोग ऐसे चिपका के वापस से ग्लू लगाएंगे और फिर हम लोग इसे थोड़ा शाइनी बनाने के लिए स्पार्कल पेपर का यूज़ कर लेंगे। कोई भी शेप कट करके उसे ऐसे चिपका लेंगे तो इस तरह से ये हमारा राखी के शेप में आ जाएगा। और फिर हम लोग इसे जो है साजन के रिबन पे इस तरह से चिपका करके अपनी राखी को रेडी कर लेंगे। अब इसमें हम लोग स्टोन वगैरह चिपका करके इस तरह से अपनी राखी को मेक करेंगे। ओके, सभी कोई अपना अपना राखी बनाइए, जिसे जो कलर पसंद है उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरह की राखी पहले से वो बना करके रखी हुई है, इसमें मैंने गोल्डन पेपर का यूज़ किया है और इस तरह के स्टिक वाले पेपर्स को यूज़ करके जो है मैंने ये राखी तैयार की है। आप लोग भी तैयार करेंगे।